एक खत्म नहीं हुआ। सुन, मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने। तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा, तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जैसे को तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सब चाहिए, ऊपर से शब्दों का चाहता है। बंद किताब हो आज भी रास, मैं बेइज्जती करूं मैं तेरी वो भी एक सांस। मेरे लाला मेरे लाला मेरे लाला, तू निकाला मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला। मारा ताला मेरा छोटू मोटू बीबी बाबा बाला, मैं उजाला मैंने गोदी में रफ्तार उछाला, कई जाला में भिड़ाला एक तक साला, अकेला मैंने पूरा सीन बना डाला, तेरे जैसे चले को सेंग बना डाला, हिप हॉप में आ रहा था भाग भगा डाला, रफ्तार के बंटा ने हेड भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भाग भगा डाला, रफ्तार के बंटा ने हेड भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भाग। मैं मोबाइल का जमाना और तू पेजर है, तू नल्ला पाव घंटा है वो डेंजर है, तूने बोला तूने मेरा काम बनाया, ये बता क्या रफ्तार मेरा मैनेजर है। तूने मुझे मैच म्यूजिक से मिलाया, पर वजह बेटा कुछ और था, भरोसा नहीं होता तो छोटे पाजी से पूछ ले, पैक गाना उनका सामने से कॉल था, लेबल से आ रहा मेरा गाना तेरी जली जली, खुश हूँ मैं तुझे देख के करूँ मैं खली बली, आगे चला गया मैं तू खड़ा वही वही, जनता भी जानती है रफ्तार अब सही नहीं। तो मेरे भाई अभी तक आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सीन क्या चल रहा है यार। तो यस गाइस, फाइनली मैं कर रहा हूँ रैंक पुश इस सीज़न डुओ में, और मैं बोला था कि नहीं करूँगा, लेकिन मैं सोचा भाई देखो ये वाली जो आईडी है केआर की, तो ये ऑलमोस्ट मेरी ही समझ लो, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि भाई वो जो मेरी मेन आईडी उसमें सब कुछ लाइक अपग्रेडेड है, लेकिन भाई उसमें वीपीएन लगा के खेलना मुझे सही नहीं लगा, तो सोचा भाई इसी आईडी में रैंक पुश कर ली जाए। और मुझे काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे थे आप रैंक पुश नहीं कर रहे हो, आई गेस कुछ दो तीन सीजन से मैं रैंक पुश नहीं किया था, तो भाई मैं सोचा कि यार इस बार तो करना बनता है। तो यस गाइस, इस सीजन जो अपन रैंक पुश करने वाले ये चीज़ कंफर्म है। तो गाइस ये जो वीडियो है ये डे वन का वीडियो है, और फिलहाल जो मेरी रैंक थी लाइक कल रात को मैं खेला था, और ये जो आप वीडियो देख रहे हो तब मेरी रैंक आई गेस कुछ गोल्ड 4-3 होगी, जब आपको वीडियो ख़त्म हो जाएगा कितनी प्लस हुई मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको, तो तब आपको आइडिया हो जाएगा। और ये मेरा आई गेस कुछ फर्स्ट या सेकंड मैच था। और गाइज अपन यहाँ पर सवर्णी में आए थे, और यहाँ पर बॉट और बंदों को मिला के एक चीज़ अगर आपको बताओ, अगर आप भी कॉन्कर पुश कर रहे हो आपको केडी मेंटेन करना है ठीक है ना, और अगर आपको ज़्यादा किल चाहिए तो भाई ऐसे साइड जाओ जहाँ आसपास पानी हो, पानी के अगर किनारे पे आप जाओगे ना, जहाँ पर करो एग्जांपल के लिए सवर्णी हो गया, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो बॉट बहुत मिलता है। तो यही सीन होता है कि भाई आपका जो केडी है वो भी लाइक मेंटेन रहता है, प्लस जितने ज़्यादा किल्स उतनी ज़्यादा प्लस। तो ये चीज़ आप भी ट्राई करना। अब यहाँ पर जो है मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इन बंदों से फाइट लेना सही रहेगा। मैं पहले देखा कितने बंदे अलाइव है, 34 बंदे अलाइव है, ऊपर से मेरे पास कोई स्कोप है नहीं, और ऊपर से हम ओपन में थे, और जब यहाँ से गाड़ी गुजरती है तब तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि यहाँ से जाना नहीं है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक सीन होता है जिससे मेरा दिमाग ख़राब होता है और मैं बंदे का जो नाम है वो याद रखता हूँ। ये देखो अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने नॉक किया, और मैंने नॉक करने के बाद कोई और बंदे ने जो इसको फिनिश कर दिया, जिसका नाम आपने किल फीड में देख लिया होगा ठीक है, उसका नाम जो है मैं याद रखता हूँ। भाई तुम मेरे को मार दो चलेगा, लेकिन अगर तुमने मेरे बॉट का किल चुराया ना यार, कभी नहीं छोड़ूंगा तुमको। तो यही सीन जो है मेरे दिमाग में था बस, और यहाँ पर बंदे थे इसलिए मैं आगे आ जाता हूँ, और भाई साहब मैं गाड़ी रोकता हूँ क्योंकि ड्राइविंग मैं कर रहा था और मुझे फाइट लेनी थी। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? तो जी हाँ गाइस, ये वही बंदा था जिसने हमारा बॉट का किल चुराया था। तो भाई कभी किसी का बॉट का किल नहीं चुराना चाहिए, बहुत गलत बात है यार, मतलब बद्दुआ लगती है, और मेरा तो कतई नहीं यार, मतलब क्या ही बताए। अब इसको फिनिश करते हैं, वैसे इसका टीममेट जो है ऑलरेडी फिनिश हो चुका था यहाँ पर फाइट लेके, और इसने जो यहाँ पर लाइक एक टीम को ख़त्म किया था वेरा उसके पास, और मुझे जो पीछे से फायर आया था वो मैं देखता हूँ लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता है, ना ही दिखते कहीं पर बंदे, क्योंकि बंदे से पिक भी नहीं कर रहे थे, ऊपर से अपने पास कोई स्कोप भी नहीं है जो अपन पिक करके देखे और बंदे अपने को दिख जाए। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो है स्क्वाड हाउस के ऊपर एक बंदे को मैं रेड आउट से इतने दूर डैमेज दे देता हूँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता हूँ क्योंकि अगर मैं नॉक हो जाता तो वो पुश कर सकते थे, और वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। अपना जो नंबर टू है भाई वो बहुत ज़्यादा प्रो है, वो सोलो में भी भाई 1v4 क्लच कर देते हैं ठीक है ना, मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियसली बोल रहा हूँ।
और गाइस यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ा था क्योंकि जो गाड़ी अभी आपने देखी वेरा उसके पीछे गई थी, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से उसके ऊपर एंगल निकालूंगा, लेकिन दिमाग में एक और चीज़ आई कि लेफ्ट में जो स्क्वाड है उस पर बंदे थे, उनको मेरे ऊपर एंगल मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ आपको दिमाग में ज़रूर रखनी, क्योंकि आपका क्या होता है, आप सामने फाइट लेते हो कहीं और से आपको पड़ जाती है, तो बस कैम 90-90 हो जाता है आपका। अब इसके ऊपर पुश करना था, तो यहाँ पर हम इसको कंफ्यूज करके मारते हैं। ये देखो, मैं समझ गया बंदा क्या करना चाहता है। तो गाइस इस बंदे को हमने आराम से मार लिया, क्योंकि हमारी जो नंबर टू है वो काफी ज्यादा प्रो है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो सोलो के मैच में 1v4 क्लच कर देते हैं, तो मतलब क्या ही बताए, मतलब ओपी प्लेयर एकदम, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में, मतलब कोई कुछ बोलेगा नहीं, बता दे रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पर मैं ये जो आइस वाल इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अगर मैं गाड़ी में बैठता हूँ और कहीं मेरे को फटका ना पड़ जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। और वहाँ से अपन निकल के यहाँ पर ड्रॉप पर आ जाते हैं, और ड्रॉप पर अपने को बंदा दिखता है, एक ही बंदा दिखता है मेरे को यहाँ पर बग्गी में, इसलिए मैं लाइक ऐसे ही ओपन में रुक गया। मैं सोचा एक ही बंदा है तो ऐसे ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एक नहीं, पूरे की पूरे दो बंदे होते हैं, पूरी टीम होती है। और जो दूसरा बंदा था उसके पास थी SKS विथ कोई स्कोप होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन DMR थी, तो अपने पास M4 थी, तो यहाँ पर अगर मुझे उसके साथ फाइट लेनी तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो भाई यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको डैमेज देता हूँ, अंदर आता हूँ, लेकिन उसके SKS की गोली जो मुझे नहीं पड़ती है, और तभी एक गाड़ी उनके ऊपर रश कर देती है और उनका कचुंबर बना देती है पूरा। अब भाई यहाँ पर जो उसका दूसरा टीममेट था वो उसको बचाने के लिए जाता है। अब यहाँ पर वो टीम जिंदा बची जो गाड़ी से आई थी, और उनका भी एक टीममेट मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया था, जो कि मैं फिनिश कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता फिनिश क्यों नहीं किया। और तभी ये सीन होता है कि भाई ऑम पड़ जाती है मेरे टीममेट को, और पीछे भी बंदे आ गए थे। तो भाई यहाँ पर देखो सिचुएशन कैसी हो गई है, टीममेट हो गया फिनिश, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको बताता हूँ ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना, मैं बिल्कुल चिल मार के खेल रहा था। मैंने पहले क्या किया, जो बंदे मेरे पास क्लोज आ रहे हैं उनको पहले फिनिश किया जो गाड़ी से आ रहे थे। अब सामने वाले जो बंदे उनके पास है हेड का एडवांटेज, प्लस अगर वो नेड वेड कर देंगे या फिर दोनों जगह से अगर बंदे आएंगे अलग अलग जगह से, वॉल बना के मेरे को इजीली खा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गाड़ी लेके निकलता हूँ और ऐसा एंगल बनाता हूँ जहाँ पर उनका ध्यान ना हो, या फिर मैं इजीली उनको मार पाऊँ और उनको पता भी ना चले, तो एकदम घूम के मैं इधर आ जाता हूँ। और पहले यहाँ पर मेरे को बंदा दिखाता, लेकिन जब स्कोपिंग करता हूँ तब बंदा नहीं दिखता मुझे, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ। और ये देखो सामने कितना भी ओपी प्लेयर हो आप, बस दिमाग से खेलो। अब गाइस इसका जो है मैं एक टीममेट नॉक कर देता हूँ, और ये जो पेड़ पे बंदा था इसको भी डैमेज दे देता हूँ, तो मतलब भाई इसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, मैं ऐसा सोचा था। लेकिन नहीं भाई, बंदे को बहुत ज़्यादा खुजली थी, उसके हाथ में थी ग्रोजा, और जिसके हाथ में ग्रोजा होती है भाई उसका कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। और मैं जहाँ पर ग्रेनेड कर रहा था उसी के नीचे उसने जो रोलर है वो कर दिया, तो जिससे उसको ग्रेनेड से डैमेज बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन भाई ग्रोजा हो या चाहे कुछ भी हो, डिपेंड करता है कि आप कैसा खेलते हो। यहाँ पर इसको भी फिनिश कर देते हैं, और फिनिश करने के बाद अपन इसकी ग्रोजा ज़रूर उठाने वाले हैं, ये तो पता ही है। और साथ ही में अपने को ऑम भी मिल जाती है। और यहाँ पर जो है बग्गी से एक बंदा आया था अभी तुरंत, जो बग्गी आपको सामने लगी दिख रही है, अब वो जो बंदा है वो टीपी भी ले रहा है सामने से, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे जाऊँ तो वो मुझे मार सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक वॉल बनाता हूँ और इस बंदे को घुमा घुमा के मारता हूँ। मेरे को इजीली एंगल थे इसके पास मारने के, लेकिन नहीं मारता, मैं थोड़ा मजे लेके मारना था मेरे को। अब देखो यहाँ से एंगल है इजी बिल्कुल, लेकिन नहीं मारा मैं। लेकिन जब वो ग्रेनेड करने की सोच रहा था, मैंने चलो ठीक है इसका टाइम आ गया, अब इसको फिनिश कर देते हैं। अब गाइस बची सिर्फ और सिर्फ एक टीम, या फिर दो सोलो बंदे भी हो सकते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर तीन बंदे, जिसमें से दो अलग है, एक तो मैं यू भाई। और अगर यहाँ पर एक पूरी टीम होगी तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर 1v2 अगर मुझे चिकन डिनर चाहिए। तो आपको क्या लगता है 1v2 आपका भाई कर पाएगा या फिर नहीं? और गाइस KD जो है अभी मैं फिलहाल अच्छा खासा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जैसे जैसे मेरा जो टीयर है वो बढ़ता जाएगा मेरे को किल्स कम मिलेंगे, और
किल्स कम मिलेंगे तो कीड़ी ऑब्वियसली बात है कम होगी। और यहाँ से मैं कूदता हूँ तभी मेरे को एक बंदर दिखता है। क्या कर रहे हो भाई, मजाक चल रहा है इधर, ये लो। इसको हट दिया और इसका टीममेट भी फायर कर देता है गलती से, तो बस गलती की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। अपने यहाँ पर एक ग्रेनेड कुक करते हैं और प्रॉपर ग्रेनेड, देखना बिल्कुल ध्यान से देखना ग्रेनेड, ये देखो बिल्कुल बंदे के मुंह के ऊपर ग्रेनेड फटा है, तो उसका जो टीममेट है उसको ग्रेनेड से मार देते हैं। और यहाँ पर मैं गोल्ड 2 पे था जब रैंक को स्टार्ट किया था, और अब जो मेरी रैंक है वो आपको ये देखो कितना 59 समथिंग कुछ प्लस हुआ है। और आज जो है गाइस मैं प्लैटिनम 54 तक आ चुका हूँ, और आज ट्राई करूँगा रात तक प्लैटिनम 2 या फिर प्लैटिनम 1 आने की, और जल्दी डायमंड क्राउन एस कॉन्करर। इतना इजी नहीं पता है मुझे, टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रैंक कुछ तो कर ही रहे, कॉन्करर जरूर करना है अपने की सीजन। तो गाइस उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। उसके साथ साथ मेरे भाई अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो क्या करो यार, इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।